हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे जूम ऐप के बारे में। जूम ऐप बहुत ही न्यूज में रहा है आज। ये जूम ऐप फेल सा गया है दोस्तों। मीटिंग्स सब कुछ कैंसिल हो गया है और मीटिंग्स और सब कुछ वर्चुअल तरीके से हो गया है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगे है दोस्तों। इसी के साथ ही ये जूम ऐप आ गया है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंडिया में और बाकी देशों में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि ये जूम ऐप जो है वो बहुत ही अनसिक्योर्ड है, बहुत ही आसानी से हैक किया जाता है। हैकर्स के थोड़े से भी प्रयास से ही हैक किया जाता है दोस्तों। इसी के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोज पाने के लिए। दोस्तों देखते जानते हैं जूम ऐप के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, आगे जानते हैं जूम ऐप के बारे में। दोस्तों आज हम कोरोना के लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर में ही लोग होके बैठे हैं, यानी कि घर में ही बैठते हैं, तो बहुत बड़े कॉरपोरेट्स के जो एम्प्लॉयज है वो सब भी घर पे ही बैठ के काम कर रहे हैं दोस्तों। जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं उनका ऑनलाइन है, जो ऑफिस वर्क है वो भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दोस्तों ऑफिस का वर्क कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये ऐप यूज़ किया जाता है जूम ऐप। ये इस पैंडेमिक का जो असर है उससे के प्रभाव से ही ऐप बहुत ही फेमस हुआ है, इजी टू यूज़ है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हाल ही में दो लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया है दोस्तों। इसकी प्रॉब्लम जो है, जो पहले कहा जाता है कि इसके जो डेटा सेंटर्स है वो चाइना में स्थित है, इसलिए वो हमारे डेटा को लीक कर सकते हैं या फिर हैक करके वो उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं जो कंपनियों की या बहुत बड़े कॉन्फ्रेंसेस की जो महत्वपूर्ण डिटेल्स है वो प्राप्त कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जूम ऐप से बहुत सारा डेटा हैकर्स ने चुरा कर डार्क वेब में भेज दिया है दोस्तों, इसीलिए ये ऐप बहुत ही विवादपूर्ण है और इस पर विवाद बहुत ही चल रहा है दोस्तों। अगर आप भी जूम ऐप को यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या फिर अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए दोस्तों, इसको मत यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप स्काइप या फिर अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर दिए, क्योंकि जूम ऐप बहुत ही अनसिक्योर्ड ऐप कहा गया है। होम मिनिस्ट्री ने इसे असुरक्षित घोषित किया है दोस्तों, जहाँ न्यूज़ में देखा गया है कि इसके पासवर्ड और यूज़र आईडी भी हैक हो चुके हैं दोस्तों। इसी तरह का डेटा खबरों में सामने आया है पिछली खबरों में, और इसी तरह से हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि जूम ऐप को आप न यूज़ करें या फिर कम से कम यूज़ करें, या फिर जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है इसके बारे में उसको ध्यान में रखकर इस जूम ऐप का यूज़ करें दोस्तों। अगर मेरा मानना है तो आप जूम ऐप को मत ही यूज़ कीजिए। इसके पर ही ऑप्शन में आप स्काइप को यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर दिए दोस्तों, ये आपके प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए दोस्तों। जूम ऐप बहुत ही असुरक्षित ऐप कहा गया है हमारे भारत में, और दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण जानकारी को लीक हो सकती है इस ऐप के ज़रिए दोस्तों। अगर आपके डेटा को आप सिक्योर रखना चाहते हैं, हमारे मीटिंग अपने मीटिंग को आप सिक्योर रखना चाहते हैं, तो जूम ऐप को मत यूज़ कर दिए। इसके अल्टरनेट को यूज़ करिए, स्काइप को यूज़। किसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगले इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद।